हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो फाइनेंशियल फंक्शंस का जो थर्ड पार्ट है, आज हमने बोल लिया है गाइज। इस थर्ड पार्ट में हमें डिविडेंड डिसीजंस को सही से समझना है कि हम जो डिसीजन लें डिविडेंड के संबंध में वो कैसा है, जिससे हम लें तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइजेशन की ओर जाए, कम ना होने पाए। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। देखिए, डिविडेंड डिसीजंस में हमें दो पार्ट समझने हैं। पहला तो हमें प्रॉफिट का समझना है और सेकंड हमें समझना है रिटेन्ड अर्निंग का। ओके, क्या होता है प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग का मतलब? देखिए, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमें समझना होगा कि जब कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, ओके, कोई भी इंस्टीट्यूट जब बिजनेस करता है तो वहाँ पर उसके लिए EBIT मिलती है। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें से सबसे पहले हमें लेस करना होता है इंटरेस्ट। भाई, इंटरेस्ट दे दिया, अब जो बचा वो हमारा बचा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें हमें फिर से लेस करना होता है, क्या अब टैक्स लेस करना होता है। अब जो कुछ भी बचा वो हमारी बची क्या EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये EAT कह लीजिएगा या अर्निंग फॉर इक्विटी कह लीजिएगा। ओके, बात एक ही होती है। अब यहां पर अर्निंग फॉर इक्विटी है, जितनी भी बची हुई है, ये अमाउंट जो बची हुई है, इस अमाउंट को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और ये प्रॉफिट किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये हम सारा का सारा प्रॉफिट हम दे देते हैं, देन क्या होगा कि कभी अगर अचानक हमारे बिजनेस में जरूरत पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार की कोई हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत हो जाए, ओके, हमें कहीं पर कोई क्लेम देना पड़ जाए, तो ऐसे पोजीशन में जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, सारा सारा का डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, तो हमारे पास में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो गाइज, इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग के रूप में एंड सेकेंड प्रॉफिट के रूप में। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हिस्सा, लेकिन अभी उसके लिए रोक लिया गया है, सेव करके रख दिया एक तरफ। और वो कब दे दिया जाएगा? जब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो जाए या बड़ी मात्रा में कभी प्रॉफिट हो जाए, ओके, और उस पैसे को जब बिजनेस में ही लगा दिया जाएगा तो उस पैसे से और भी इनकम होगी। वो किसकी होगी? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही तो होगी, किसी और की नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए जब सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसका एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और एक पार्ट सेव कर लिया जाए, बस वही हमारा होता है डिविडेंड डिसीजंस। यानी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट तो करें, लेकिन कितना करें? अच्छा, कुछ दोस्त ये यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो, डिविडेंड कहते किसके लिए है। देखिए, जब किसी व्यक्ति ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के रूप में अपना पैसा लगाया है, ओके, यानी वो इक्विटी शेयर्स होल्डर है, तो उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे के बदले में उसको जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है, भाई हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अब ये डिविडेंड कितना दिया जाए, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही हमारा यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और कितना रोक लिया जाए जिससे वो भविष्य में कभी भी काम में लिया जा सके, उसी को हम क्या कह सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हैं। सो गाइज, वी फर्दर कैन से दैट एप्रोप्राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन
अब हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस के लिए, यानी हम डिविडेंड डिसीजन लें तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, तो इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 11 हेडिंग्स दे दी हैं और आप इनमें से 8 या 10 तैयार कर लीजिएगा, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। फर्स्ट इज अर्निंग लेवल, पहले ये देखना होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें लेवल ऑफ अर्निंग क्या है या अर्निंग का लेवल क्या है। स्टेबिलिटी लेवल ऑफ अर्निंग, यानी जो अर्निंग का लेवल है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, पता चले कि इस ईयर तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, अगले साल प्रॉफिट की जगह पर हम लॉस में चले गए, या पिछले दो वर्ष तक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता रहा लेकिन आगे दो वर्ष एकदम माइनस में चला जा रहा है, तो स्टेबिलिटी लेवल ऑफ अर्निंग भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, ये तो अफेक्ट कर दी करती है कि कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है, फंड्स में कैश फ्लो किस तरह का है किस तरह का नहीं है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी हमने जितना रिटेन्ड अर्निंग में पैसा रोक दिया है तो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी वो पैसे में और खूब तेज़ी से वृद्धि होगी या नहीं होगी, यानी उसको मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कैसी हैं। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं देन शुड बी गुड। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को स्टेबिलिटी कैसी है, यानी हम पता चले कि हर ईयर में 10% डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम हमारा 20, 30, 40 कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम एक लेवल से नीचे ना जाने पाएँ। अगर किसी भी ईयर में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो रिटेन्ड अर्निंग है इसी का यूज़ करके उसको 10% को मेनटेन किया जा सके, ओके तो ये हमारा कहलाता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज प्रिफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों की प्रायोरिटी है ये भी देखना होता है। टैक्सेशन पॉलिसी हमारी कैसी है ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केटिंग का रिएक्शन कैसा है, यानी स्टॉक मार्केट का जो एक्शन है वहाँ पर वो किस तरह का है किस तरह का नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंस, यानी वहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा तो नहीं है कि कोई वैरियर्स हों अपरोध हों। नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कोई कानूनी बंदिशें लगा दी गई हों ऐसा कुछ हो तो ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, यानी कैपिटल मार्केट का कंसिडरेशन के बेस पे भी ये एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजंस के लिए। तो ये हमारे इतने फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस के लिए। तो डिविडेंड डिसीजंस दोस्तों क्लियर हो गया होगा क्या है डिविडेंड डिसीजंस, यानी किसी भी कंपनी के लिए जो पूरा प्रॉफिट का भाग है वो कितना डिवाइड किया जाए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, कितना रोक लिया जाए, बस यही हमारा डिविडेंड डिसीजन कहलाता है, ओके। अगर रोक भी दिया जाता है तो भी पार्ट किसका रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहता है, ओके। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तब भी किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिलता है। सो गाइज फर्दर वी कैन से दैट अप्रोप्राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। गाइज उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल है, और इसी तरह से आपको पूरी बिजनेस स्टडी की वीडियोज, इसके बाद अकाउंट्स की वीडियोज, इसके बाद इकोनॉमिक्स की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, बोथ 11th एंड 12th ऑल्सो। सो गाइज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।